जी नमस्ते वंदे मातरम। आज दिन है 7 दिसंबर 2022 बुधवार और व्याख्यान नंबर 141 141 स्वस्मृत परिवार की ग्रुप वाइस चैट में स्वागत है आप सबका। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस ऑडियो को सुने सुनाएं। और जो ये प्लेलिस्ट है, आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको मिल जाएगी। उसको जाके शेयर करें और सुनाए सुने सुनाए भी। अगर आपको लगता है कि जैसे अभी प्राण वायु का पूरा सत्र रहा, वो आप जाके सुन सकते हैं। और उसके अलावा गर्भ पर है, तो जितने भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आप प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जो है वो दीपक भाई बताएंगे, वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में आप सभी श्रोतागण का, आप सभी बंधुओं का, भाइयों का, माताओं का, मातृशक्ति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से हम सभी बहुत ही रोचक और तथ्यात्मक विषय समझ रहे, पढ़ रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही आगे काम आएगा। जो भी भाई बंधु वैद्यता की ओर बढ़ रहे हैं, वैदिक विद्या को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही लाभ करेगा और वो किसी के जीवन को बचा सकते हैं। और किसी के जीवन में जो कष्ट है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जो कष्ट है, उनको वो सूक्ष्मता से उस विज्ञान को समझ सकते हैं। उसके लिए ये कक्षाएं चल रहे हैं, इसमें जुड़िए अधिक से अधिक और उसका लाभ उठाइए और उसको समझिए। तो जो पंचवायु है, तो उसमें से हमने पढ़ लिया, और उदान वायु हमने पढ़ लिया, व्यान वायु पढ़ लिया। अब हमें समान समान वायु क्या होता है, वैद्य जी इसके बारे में बताएंगे। समान वायु कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, उसका कार्य स्थान क्या है, मतलब उसका ऑफिस कहाँ है, वैद्य जी कहते हैं कहाँ आराम करते हैं, मतलब जब वो कार्य से थक जाते हैं तो कहाँ आराम करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सारे विषय जो समझाने का वैद्य जी का तरीका है। तो उन सभी बातों पर आज चर्चा होगा समान वायु के लिए, कि उनका कार्य क्या है, वो कहाँ रहते हैं, इन सब बातों पे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर ये कैसे कुपित होता है, कुपित होने के बाद ये क्या क्या रोग उत्पन्न करता है, इन सब बातों पे वैद्य जी चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएंगे। फिर इनका क्या उपचार है, अंत में ये बताए जाएंगे। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत हृदय से करता हूँ। और जो आज का विषय है, हम सभी समझेंगे और जानेंगे, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग सभी आके जुड़िए और उनको लाइए, और हम सभी जो वैद्य निर्माण क्रांति अभियान है, इसको हम सभी फलित करेंगे मिलकर के। स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो अभियान है, कि हम प्रत्येक घर घर में हम स्वास्थ्य का जो सिद्धांत है हमें पहुंचाना है, राजीव भाई ने जो बताए, ऋषियों का जो ज्ञान और विज्ञान उसे पहुंचाना है, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार विचारधारा है, उसके माध्यम से हम अवश्य पहुंचा पाएंगे। हम हर घर तक हमें पहुंचना है, हर घर के माताओं बहनों तक जो ज्ञान है वो पहुंचाना है। उसके लिए हम सभी को ये क्रांति करना पड़ेगा मिल के, समझ के, एक साथ। तो आज का जो विषय है समान वायु, तो वह जी से निवेदन है कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम, नमस्ते। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है इस जो स्वस्थ निर्माण, स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत या तो वैद्य निर्माण क्रांति, जो भी मतलब मंच है, इस मंच से आपका सब हृदय से स्वागत करता हूँ। और बिना विलंब किए भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हम प्रतिदिन एक सूत्र लेते हैं, तो आज भी हमने एक सूत्र लिया हुआ है। तो सूत्र जो लिया हुआ है वो सूत्र लिया है अष्टांग हृदय का सूत्र लिया है। तो महर्षि बागवत जी ऐसे कहते हैं कि आयु कामाय मानेनम धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमम आदरः। इसका अर्थ यह है कि धर्म अर्थ तथा विविध सुखों का साधन भूत जो दीर्घ जीवित चाहने वाले को वैदिक शास्त्र के आहार विहार आचार विचार आदि जो चर्या पंचक है उनका, उन उपदेशों का आदर करना चाहिए तथा तदनुरूप अपने जीवन में उसका पालन करना परम आवश्यक है। चर्या पंचक यानी के दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या तथा परिचर्या। इन 5 चर्या को चर्या पंचक के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद ग्रंथों में, या तो आयुर्वेदाचार्यों ने इसको चर्या पंचक नाम दिया है।
संज्ञा दी है। तो जो चाहते हैं कि मैं धर्म जो हमारे मानव का मूल उद्देश्य क्या है जन्म लेने का, हमें चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति करनी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि हमारा दीर्घ जीवित नहीं नहीं रहेंगे, दीर्घ जीवी नहीं रहेंगे, या तो हमारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नहीं रहेगा, तो ये चारों में से कोई एक भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो यदि हमें ये चारों को प्राप्त करनी है, दीर्घ जीवी होना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो वैदिक शास्त्र में आहार विहार आचार विचार तथा चर्या पंचक जो बताया गया है, उन चर्या पंचकों को हमें समझना है, जानना है और तथा पालन भी करना है। तो चर्या पंचक के लिए तो हमारा अलग से सत्र होगा। अभी शरीर क्रिया चल रहा है, फिर उसके बाद में शरीर रचना चलेगा, फिर काल ज्ञान, काल ज्ञान में ये सब विषय में आएगा, चर्या पंचक के विषय में। तो ये सूत्र रूप में था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैंने एक विचार भी किया है कि प्रतिदिन किसी ना किसी रोगों के विषय में जड़ी बूटी से या तो अपने आसपास घरेलू उपचार से, जो कि सद्य फलप्रद है और परीक्षित है, सत्सोनु अनुभूत है, तो ऐसे ऐसे योग भी मैं आप लोगों को प्रतिदिन एक एक योग भी बताऊंगा, जो कि मेरा स्वानुभूति योग है। तो आज मैंने देखा ग्रुप में, किसी ग्रुप में एक ग्रुप में देखा था, तो किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ऐसा आया था कि मेरा 15 साल का लड़की है, 15 साल की बच्ची है, और उसको पीलिया हो गया है, क्या करना चाहिए। तो वास्तव में देखे तो पीलिया जो रोग है, जिसको कमला कामल जॉन्डिस ऐसा कहा जाता है, वो अधिकतर क्या होता है, वर्षा ऋतु में या तो शरद ऋतु में पाया जाता है, पाया जाने वाला रोग है। अब ये इस समय में यदि किसी को पीलिया हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको कुछ ना कुछ लिवर की या तो रक्त, उसके शरीर में रक्त धातु बहुत कम है, ये समझना चाहिए। या तो फिर उसके शरीर में कुछ ना कुछ कीड़े होंगे, कीड़े के कारण ये उसको अभी पीलिया होगा, पीलिया हुआ होगा, क्योंकि पीलिया जो है जंडिस कभी भी हेमंत ऋतु में नहीं होता है। आप कोई कभी भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हेमंत ऋतु में कभी किसी को पीलिया नहीं होता है। यदि होता है तो उसके लिए मैं एक घरेलू उपचार बता देता हूँ, घरेलू उपचार, या तो फिर ये कहे कि एकदम सस्ता सरल उपचार है। तो ऐसा है, ताजा करेला लेके आना है, जो करेले का जो फल होता है ना, ताजा करेला वो लेके आना है। तो ताजा करेले को पत्थर के ऊपर क्या करना है, पीसना है, जैसे हम चंदन घिसते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि ताजा करेला तो अब इस समय नहीं मिलता है, परंतु मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखने को मिल जाता है, कोई कोई गांव में अभी भी देखने को मिलता है करेला, इसके लिए आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। यदि ताजा करेला यदि ना मिले, तो उसके लिए क्या करना है, उसको करेले का जूस उसको पीने के लिए दे सकते हैं, तो उससे भी अच्छा हो जाएगा। तो करेले को, ताजा करेले को पत्थर पर पीस करके उसका रस निकालिए, और हम रस निकाल करके दिन में एक बार और शाम को एक बार, और सूर्य सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में ऐसा देना है। तो यदि देंगे कितना, तो 20 ml 30 ml ऐसे करके दे दीजिए, तो उसके देखेंगे कि कम से कम 2-3 बार 4 बार उसको दस्त हो जाएगा, पतला पतला दस्त, सोच लगेगा उसको, तो क्योंकि ये दस्तावर लाता है तो दस्त होता है। तो 2-3 दिन में, या तो किसी किसी को 5-6 दिन लगते हैं, पीलिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और ये सद्य फलप्रद है, और इसको कई बार इसको आजमाया हुआ है, तो इसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। करेले का रस इतना, सभी करेले का रस क्या करते हैं, डायबिटीज के लिए उपयोग में लाते हैं, डायबिटीज के लिए तो अच्छी बात है, वो काम करता है। और जिनको जो हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, जो माता जी आई आई है, स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो उसमें भी करेले का यदि रस यदि मधु के साथ में मिला करके चटा दिया, सेवन करा दिया, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आज ये एक योग हो गया। तो ऐसे ही हम मैं आपको प्रतिदिन एक एक फलप्रद जो कि परीक्षित योग है, वो योग भी एक एक बताता रहूंगा, जिससे कि आप लोग इसका भली भांति उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसको लाभ भी मिला सकते हैं। तो अभी हम अपने गंतव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा गंतव्य पथ ये है कि समान वायु के ऊपर चर्चा करना है। तो समान वायु नामकरण ऐसा इसलिए हुआ है कि समान यानी कि जो जो वायु किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, किसी के प्रति वो ना किसी को अपना ज्यादा समझता है, ना किसी को पराया समझता है, कोई भी है, कैसा भी है हमारे शरीर में, शरीर में जो जितने सारे अंग है, प्रत्यंग है,
या तो यूं कहे कि जितने सब धातुएं हैं सबके प्रति जो समभाव में, मतलब कहता है ना कि समभाव सम मैत्रेण सम, मतलब आयुर्वेद का सूत्र भी है कि सबको मतलब समान मात्रा में रखना, सम दोष समाग्नि। तो ये जो मतलब समान मात्रा में रखने का जो काम है ये समान वायु का ही होता है, इसीलिए इसका नामकरण समान रखा गया है, संज्ञा समान दिया गया है। क्योंकि यही यदि मतलब समान मात्रा में रहता है तो हमारे दोष, हमारे अग्नि, हमारे धातु, हमारे मलादि क्रिया और हमारा मन, इंद्रिय, आत्मा और शरीर, ये सब कुछ समान मात्रा में स्थित होते हैं। ये जब से असमान होने लगे, मतलब समान स्थिति से थोड़ा नीचे ऊपर होने लगे, तो हमारे शरीर के जितने सारे दोष है, धातु है, अग्नि है, या तो फिर मलादि क्रिया है, या तो इंद्रिय मन आत्मा है, वो सब कैसे फिर मतलब विषम हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। इसके लिए इसी इसी का नाम, ये वायु का नाम समान संज्ञा दिया गया है, ये आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। तो इसके लिए चरक जी क्या कहते हैं कि मतलब हमारे जो स्वेदावह, जो स्वेदावह मतलब नाड़ी है, या तो स्वेदावह जो श्रोतस है, या तो दोषावह जो श्रोतस है, फिर अव्ययावह जो श्रोतस है, और अंतराग्नि, अंतराग्नि यानी के जठराग्नि, उन जठराग्नि या तो फिर पाचक पित्त, पाचक पित्त के आग, मतलब ये पास में रहता है और रह करके हमारे पाचक अग्नि को ये बल देता है, मतलब पाचक अग्नि का मतलब बल देता है, यानी कि पाचक अग्नि का जो करने की जो क्षमता है, जो क्रियाशील है, उसके क्रियाशीलता को ये और बढ़ावा देता है, उसको क्षमता ये देता है, सक्षम करके रखता है, इसीलिए ये समान वायु का यहाँ वहां पे मतलब स्थान है, ऐसा कहा गया। इसका अर्थ ये है, यदि मतलब देख लीजिए चाहे पुरुष हो महिला हो, जो नाभि होती है, नाभि के नीचे हमारा पाचक अग्नि होता है, मतलब पाचक पित्त, और नाभि के बिल्कुल मतलब मध्य में समान वायु का स्थित होता है, नाभि के ऊपर हमारा क्लेदक कफ होता है, ये हमने पहले भी मतलब चर्चा कर चुके सत्र में। तो यहाँ जो समान वायु यानी कि नाभि के बीच में, मतलब पूरा एकदम मतलब नाभि का केंद्र, ऐसा यूं समझिए कि मतलब समान वायु यदि ठीक है तो सारे के मतलब जो दोष है, अग्नि है, धातु, ये कैसे ठीक हो जाते हैं, आप लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न होता होगा। तो इसका अर्थ ये, उसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में कितने सारे तंत्रिया है, तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका यानी कि सिस्टम, ऐसा कर ले अंग्रेजी में उसको सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर, मतलब लैपटॉप, ऐसा कुछ भी मतलब आप नाम दे सकते हैं उसको, सिस्टम कह सकते हैं। तो जितने सारे मतलब सिस्टम है, मतलब मुख्यतः हमारे शरीर में पांच तंत्रिका है, जो कि सारे शरीर को मन, इंद्रिय, आत्मा के सहित में संयुक्त बना करके हमारे आयु को उज्जीवित रखती है। यदि मतलब वो पांच सिस्टम में से कोई एक सिस्टम यानी कि एक तंत्रिका यदि बिगड़ जाए, गड़बड़ हो जाए, तो हमारा जो आयु है, जीवन है, उथल पथल हो जाता है। तो पांच तंत्रिका क्या है, सबसे पहले होता है शिरा तंत्र, दूसरा है प्रशिरा तंत्र, तीसरा है धमनी तंत्र, चौथा है स्नायु तंत्र, पांचवा है नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र से हम नाड़ी देख करके रोगों का निदान करते हैं, स्नायु तंत्र यदि मतलब स्नायु तंत्र यदि ठीक ठाक है तो हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ये उसका काम होता है। फिर धमनी तंत्र से हमारे पूरे शरीर में रस, रस धातु और रक्त धातु, ये दोनों का संचालन होता है, प्रवाहमान होता है, धावमान होता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो शिरा तंत्र है, शिरा तंत्र में से हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल, जो व्यान वायु है, वो चल प्रचल होता है, चलायमान होता है। और जो प्रशिरा तंत्र है, प्रशिरा तंत्र में से हमारे अन्य अन्य जो मतलब है, जैसे कि मतलब श्लेष्मा कफ है, श्लेष्मा कफ पूरे शरीर में वो प्रवाहमान होता रहता है प्रशिरा तंत्र में। तो इस प्रकार से ये पांचों जो तंत्र है, तंत्रिकाएं हैं, ये पांचों तंत्रिका हमारे शरीर में सदा ठीक होना चाहिए। यदि ये सदा ठीक मतलब ये, हाँ और एक बात है कि ये जो पांचों तंत्रिकाएं हैं, या तो शरीर के अन्य अन्य जितने सारे मतलब जो तंत्र है, या तो तंत्रिका है, या तो अंग है, प्रत्यंग है, जो कुछ भी है, उन सब का जो केंद्र स्थल है, मतलब मुख्य ब्रांच, मतलब हेड ब्रांच, वो कहाँ है ना, वो उसका हमारा नाभि है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो उसको केंद्र सरकार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा भी मतलब नाम दे सकते हैं हम। तो ये जो नाभि है हमारा केंद्र स्थल है, तो केंद्र स्थल इसीलिए मतलब समान वायु को अधिक मात्रा में यहाँ पे मतलब गुरुत्व दिया गया, महत्व दिया गया। यदि हमारा नाभि यदि मतलब बिगड़ जाए, तो मतलब जहां पे हमारा समान वायु गड़बड़ हो जाती है, तो फिर मतलब समान वायु कैसे गड़बड़ होती है ना, हमारा पाचक अग्नि यदि गड़बड़ हो जाए तो समान वायु गड़बड़ हो जाती है।
तो समान वायु को यदि ठीक करना है तो उससे पहले हमें हमारा पाचक अग्नि को यानी कि पाचक पित्त को भी ठीक करना पड़ेगा। अब ये पाचक पित्त के विषय में यूं कहूं तो हमारे शरीर में जो पांच प्रकार के वात है, पांच प्रकार के पित्त है, पांच प्रकार के कफ है। अभी मैं सबसे जो श्रेष्ठ है यानी कि सबसे जो श्रेष्ठ है, सबसे गरिष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे गुरुत्वपूर्ण है, वो पाचक पित्त है। क्योंकि यदि पाचक पित्त ही यदि मतलब गड़बड़ हो जाए तो आपका शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा, ऐसा कहा जाता है। परंतु पाचक पित्त यदि थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो समान वायु को बिगाड़ देता है, गड़बड़ कर देता है, उसको दूषित कर देता है, कुपित मतलब दूषित कुपित तो नहीं करता, उसको प्रतिलोमन कर देता है। तो जब प्रतिलोमन कर देता है तो फिर हमारा नाभि खिसकती है। जब नाभि खिसकने लगे फिर हमारा सोच अच्छे से नहीं होता है, पेट साफ अच्छे से नहीं होता, नींद अच्छे से नहीं आती, भूख सही से नहीं लगती, प्यास सही से नहीं लगता, फिर हमारा जो हजम होने की प्रक्रिया है वो सही से नहीं होता है, और पेशाब मल मूत्र का जो त्याग होना वो सही से नहीं होता है, और माता और बहनों को जो मासिक धर्म की जो समस्या है वो फिर मतलब बरकरार रहती है, वो फिर सही से नहीं आता है। मतलब 28 दिन में जो आना चाहिए वो 28 दिन में नहीं आता, ये सब मतलब दिक्कत आने लगती है। इसके लिए हमें वहां पे समान वायु तथा पाचक पित्त ये दोनों को ठीक करना, मतलब बिल्कुल अपने व्यवस्थित रूप से रखना, ये परम आवश्यक है। तो ये तो हो गया। अभी ये स्वेदभ, यदि मतलब इसका अर्थ यह है, स्वेदभ मतलब हमारे शरीर में से स्वेद यानी कि पसीना निकालने का काम जो है ये व्यान वायु का है, परंतु यदि समान वायु विकृत विकृत हो जाए तो व्यान वायु भी विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह अंबुभ स्वतस, अंबुभ स्वतस यानी कि जो हमारा जो सारे शरीर में श्लेष्मक कफ बह रही है, चल रही है, धवायमान हो रही है। अभी मैंने जैसे मतलब बोल रहा था कि प्रसिराओं में हमारा कफ श्लेष्मक कफ मतलब परिचालन होता है, धावमान होता है। तो जब अंबुभ स्वतस यानी कि प्रसिरा तंत्र गड़बड़ हो जाए तो हमारा अंबुभ स्वतस भी गड़बड़ हो जाती है, जिससे कि हमारा समान वायु विकृत हो जाता है, ऐसा हमको मतलब समझना चाहिए। तो यदि हमारा समान वायु यदि ठीक रहता है तो पसीना बराबर निकलता है, फिर वात पित्त कफ बराबर मतलब काम करने लगते हैं, फिर प्रसिरा तंत्र भी बराबर काम करने लगता है, फिर हमारा जो जितने सारे जो जॉइंट है, जो संधि स्थान है जिसको पर्व नाम दिया गया है, वो सारे के सारे पर्व बहुत अच्छे से अपना अपना काम करने लग जाते हैं। तो और पाचक पित्त भी हमारा सही तरीके से मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा आमाशय में और पक्काशय में जो समान वायु मतलब विचरता है, क्योंकि आमाशय यानी कि पेट और पक्काशय यानी कि बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में और ये नाभि से लेकर के पेट में पूरा समान वायु विचरण करता रहे, चलायमान करता रहता है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी मतलब कहा था जब वात के विषय में वायु के विषय में चर्चा हो रही थी, केवल वायु के कर्म के विषय में, तो हमने वहां पे ये भी कहा था कि सुश्रुत जी ने और चरक जी ने ऐसा कहा है कि हमारे शरीर में जो 12 अर्गान है, गले छाती से लेकर के कमर तक जो 12 अर्गान है, ये ऐसा मतलब समझ लीजिए कि ये 12 कमरा है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि स्वयं मतलब बागभट जी ने ऐसा कहा है कि समान अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। इसका अर्थ यह है ये जो समान वायु है, ये समान वायु के पास में कौन है, न पाचक अग्नि है यानी कि पाचक पित्त है, तो पाचक पित्त से मतलब मिलता हुआ विचरता हुआ हमारे जो पूरे जो कोष्ठ है मतलब जो द्वादश कोष्ठ ऐसा कहा जाता है, द्वादश कोष्ठ यानी कि जो 12 अर्गान है समान वायु के लिए, उन जो 12 अर्गान है एक एक कमरे की भांति है, मतलब समान वायु जो है ये सारे कमरों में एक ना एक मतलब हर बार जो है राउंड लगा के आती है, मतलब चक्कर लगा के आती है, ये वायु मतलब ये कमरा कैसा है, मतलब हृदय का कमरा कैसा है, और प्लीहा का कमरा कैसा है, यकृत का कमरा कैसा है, आमाशय का कमरा कैसा है, अग्नाशय का कमरा कैसा है, पित्ताशय का कमरा कैसा है, मूत्राशय का कमरा कैसा है, बड़ी आंत का कमरा कैसा है, छोटी आंत का कमरा कैसा है, और ये जो आंत्र अपेंडिक्स जो बोलते हैं आंत्र क्या बोलते हैं उसको, आंत्राशय मैं उसका नाम भूल गया आयुर्वेद में क्या है उसको, अपेंडिक्स जो बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो भी मतलब जो हाँ अंत्रपुच्छ प्रदाह, तो अंत्रपुच्छ प्रदाह में भी वो चक्कर काटता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि गर्भाशय डिंबाशय पक्वाशय मूत्राशय मलाशय जो आदि जो 12 अर्गान है ये समान वायु के लिए एक एक कमरे की भांति है, तो उन 12 कमरों के प्रतिदिन चक्कर लगाने का काम जो है ये समान वायु का है। इसका अर्थ ये है कि यदि हमारा समान वायु ठीक रहेगा तो 12 अर्गान भी ठीक रहेंगे, क्योंकि हमने उस समय ये भी कहा था कि ये 12 अर्गान खपाने
खराब मतलब होते हैं, विकृत होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? ना वायु के कारण होते हैं, क्योंकि हमने वहां पे पूरी बात नहीं बताई थी, क्योंकि पूरी बात वहां पे बता देंगे तो यहाँ पे आपको मजा नहीं आता समान वायु के ऊपर। इसीलिए हमने कुछ मतलब जो बातें जितनी बतानी चाहिए थी वहां पे उतने बताए थे। तो ये जो 12 कम मतलब कमरे की भांति जो चक्कर लगाता है, ये समान वायु यदि आपका मतलब सही तरीके से है तो नाभि के पास में, ये तो हमसे हमको पता चल गया। अब ये काम क्या करता है उसके विषय में जानेंगे, और इसका ऑफिस कहाँ है मतलब इसका घर कहाँ है वो विषय में भी हमें मतलब जानेंगे। उसका काम क्या है, ये सबसे पहले 12 कमरों में चक्कर लगाना, ये उसका सबसे पहला काम है। फिर स्वेदवा स्वतस दोषवा स्वतस अम्बवा स्वतस, इनको मतलब आश्रित पाचक पित्त को मतलब बनाए रखना, मतलब उनको अपने अपने कामों में लगाना, ये भी इसका मतलब एक काम है। ठीक उसी तरह और क्या काम है ना, जो हमारा जो भोजन करते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन को ग्रहण करना, और ग्रहण करके पाचक पित्त से मिल करके पाचक पित्त की शक्ति को बढ़ाना और उसे पचाने का काम करना, और पचने के बाद में उसका जो रस निकलेगा, जो रस है तो या तो सार भाग निकलेगा या यूं कहे कि कीट भाग निकलेगा, तो वो सार भाग को या तो कीट भाग को जो रस धातु है उसको निकल ले करके उसे फिर मतलब हमें छोटे आंत से मतलब होकर के ऊपर मतलब गुजरना, और उसको रक्त के रूप में परिवर्तन परिणत होने के लिए मतलब रक्त धातु में जब तक वो नहीं हो जाता, कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसको ध्यान रखना, ये समान वायु का काम है। इसका अर्थ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि मेरा 12 अर्गन एकदम मतलब सही रहे तो आपको समान वायु को ठीक करिए सबसे पहले। जो लोग चाहते हैं कि मतलब मुझे सही समय पे भूख लगे और मैं जो भी खाऊं वो सही से पच जाए, तो आपको सबसे पहले समान वायु को ठीक करना होगा। लोग मतलब अभी यदि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मतलब बात ऐसी है, जब किसी को भूख नहीं लगती या तो खाना पच नहीं रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि गैस बन रहा है, मेरा पेट फूल रहा है, मेरे पेट में वायु भरा होता है, क्योंकि मेरा मतलब पाद निकलता है, वायु निकलता है, एयर निकल रहा है। ये जो एयर निकलता है ये क्या कौन सा एयर है? ये समान वायु जब विकृत हो जाता है तो फिर मतलब पेट में जमा हो जाता है एयर की भांति, तो फिर वो समान वायु फिर अपान वायु के मतलब हिसाब से वो निकलता है। वो कैसे निकलता है तो अपान वायु के विषय में चर्चा करेंगे तब हम जानेंगे। परंतु समान वायु यदि मतलब आपका गड़बड़ हुआ तो फिर आपका खाना पचेगा नहीं, और जो नहीं पचा फिर आपके मतलब मल में मलाशय में मूत्राशय में वो जमा रहेगा, और जमा रह करके फिर क्या करेगा वो आम के रूप में वो बदल जाएगा, आम का रूप ले लेगा। इसके लिए समान वायु को हमें ठीक करना परम आवश्यक है। फिर जो हमारा भोजन का पचने के बाद में उसने रस धातु रक्त धातु तक मतलब उसने एक प्रकार से काम करने लगा, फिर उसका जो मल निकला, जो मैल जो निकला उसको फिर जो तरल जो मल है मतलब जो तरल रूप मतलब पानी के रूप में है उसको मूत्राशय तक मतलब ले जाना, मूत्राशय के पास में, और जो गाढ़े के रूप में है मतलब एकदम गाढ़े के रूप में मतलब कठिन के रूप में है उसको मलाशय के पास में ले जाना, ये काम है समान वायु का। मतलब मल को मतलब पुरुष को मलाशय के पास में ले जाना और मूत्र को मूत्राशय के पास में ले जाना, ये इसका मुख्य काम है। ये मतलब अलग अलग काम करने का भी ये इसका काम है। यदि किसी को पतला पतला यदि मतलब दस्त होने लगे, मतलब पतला दस्त हो रहा है और साथ में आपका पतला पेशाब नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपका समान वायु को सबसे पहले ठीक करना है। यदि आपने समान वायु को ठीक कर लिया तो फिर आपका ये जो पतला दस्त होना, पेशाब रुक जाना, पेशाब नहीं होना, ये आदि मतलब ठीक हो जाती है। जैसे मतलब मैंने पहले भी कहा है कि जब मतलब किडनी फेलियर की मतलब जो हमारे सत्र चल रही थी तो मैंने उस समय ये भी कहा था कि जो लोग चाहते हैं कि मतलब मेरा किडनी फेलियर ना हो, मेरा किडनी खराब ना हो, लिवर फेलियर ना हो, लिवर खराब ना हो, हार्ट फेलियर ना हो, तो सबसे पहले आपको आपको वायु को ठीक करना है, और वायु को ठीक करने के लिए आपको कफ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कफ ही एक मतलब ऐसा है जो कि वायु को अपने नियंत्रण में लेके आता है। बाकी अन्य मतलब जितने सारे मतलब जो पित्त है या तो जितने सारे अन्य अन्य द्रव्य है जो भी मतलब रस है वो कोई भी वायु को ठीक नहीं कर सकता, वायु को केवल कफ ही ठीक कर सकता है। इसीलिए हमारे शरीर में प्रत्येक मतलब हर पल हमें मतलब कफ का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कफ को हमें कफ की मात्रा को हमें बढ़ाना पड़ेगा, यही एक उपाय है। ये मतलब हमने जब कफ के ऊपर सत्र चल रहा था तो उस समय हमने ये भी दिया था। तो पाचक रस मतलब जिन जिन स्थानों पर मतलब होती है, पाचक रस मतलब जो बनता है कहाँ से बनता है? पाचक अग्नि से।
और पाचक अग्नि से पाचक रस निकालने का काम किसका है? ना समान वायु का। तो समान समान वायु का मतलब मुख्य रूप से क्या करता है ना, जो ग्रहणीधर कला है और जो छोटी आंत है वहां पे मतलब हर पल विचरता रहता है, मतलब विचरता यानी के भटकता रहता है, मतलब भटकता रहता है तो कहना उचित नहीं होगा, मतलब ऐसा कहे कि वो चक्कर काटता रहता है, यूं कह सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपने देखा होगा कि ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र में बार 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 लहरें आती है, मतलब एक लहरी आई और मतलब किनारे में आया, फिर से वो पानी वापस बह गया, फिर से मतलब एक लहरें आई फिर से मतलब बह गया, मतलब बार 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 जैसे समुद्र में लहरें आती है, परंतु वही लहरें आपको नदी में नहीं मिलेगी, तालाब में नहीं मिलेगी, कुएं में नहीं मिलेगी, वह लहरें मतलब पानी ऐसा हिलता रहता है वो बात अलग है, परंतु लहरें आना मतलब लहर बनकर आना वो केवल समुद्र में ही संभव होता है। तो समुद्र में लहर क्यों आता है, बाकी अन्य जगह पे क्यों नहीं आता? वो इसीलिए क्योंकि जो समान वायु है वो समुद्र के किनारे बहुत अधिक मात्रा में होता है, और वही समान वायु नदी के किनारे तालाब में कुएं के पास में या तो अन्य किसी जलाशय में जलाशय के पास में नहीं होता है। इसीलिए जिनका समान वायु ठीक करना है तो उनको क्या करना चाहिए, समुद्र के किनारे वहां पे मतलब बैठना चाहिए, तो समुद्र नहाना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि आपको महीने में एक बार कम से कम समुद्र में 2 घंटे के लिए जाके नहाना चाहिए हर किसी को, चाहे छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा यानी कि 6 साल के ऊपर, 6 साल से कम आयु जिनकी है उनको, यदि वो यदि नहाएंगे तो सर्दी कहाँ से पकड़ लेगा, तो 6 साल के ऊपर जो बच्चे हैं वो नहा सकते हैं और वो आधा घंटा नहा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई बात नहीं है। तो चाहे छोटे हो या बड़े हो, बूढ़े हो या बूढ़ी हो, कोई भी हो, मतलब पुरुष महिला सभी हो, तो उनको कम से कम 2 घंटा तो कम से कम नहाना चाहिए हर महीने में, महीने में एक बार समुद्र में जाकर के नहाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो समान वायु है वो खराब नहीं होता है, तो इसके लिए आपको नहाने के लिए परम आवश्यक है। तो ठीक उसी तरह जो जो लोग चाहते हैं कि मतलब मेरा मतलब आमा सही से काम करे, ग्रहणी मेरा सही से काम करे, या तो फिर मेरा जो छोटी आंत है वो कभी ना बिगड़े, मेरा लिवर किडनी जो हमारा 12 12 अर्गान है वो सारे के सारे 12 अर्गान ठीक रहे, तो आपको महीने में एक बार या तो 2 महीने में एक बार कम से कम आपको समुद्र में नहाना चाहिए। यदि आपके आसपास मतलब घर के आसपास नहीं है तो जहाँ है तो वहां पे जाना चाहिए। इसलिए आप मतलब हमारे शास्त्रों को देखेंगे जो संहिता शास्त्र है, जैसे याज्ञवल्क्य शास्त्र संहिता हो गया, परसर स्मृति हो गया, नारद संहिता हो गया, देवल स्मृति हो गया, आपस्तंभ स्मृति हो गया, यम संहिता हो गया, व्यास संहिता हो गया, तो ऐसे जो संहिता है संवर्त संहिता हो गया, तो ऐसे संहिताओं में क्या लिखा है कि जो समुद्र है वो तीर्थों के राजा है, तीर्थ राज है समुद्र, ऐसा कहा गया। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि सारे तीर्थों के मतलब जो जल है वो समुद्र में जाके मिलते हैं, तो आपने समुद्र में नहा लिया तो सभी तीर्थों में आपने स्नान कर लिया, इसका ऐसा अर्थ होता है, इसीलिए मतलब तीर्थों के राजा ऐसा कहा गया है। और ये इन संहिताओं में ऐसा कहा है कि आपको हर ऋतु में एक बार तो समुद्र में जाके स्नान करना ही चाहिए, यदि आप हर ऋतु में नहीं जा सकते तो कम से कम साल में 4 बार जाना ही चाहिए, और साल में जो 4 बार है मतलब कौन से महीने में, तो बैसाख का महीने में, आषाढ़ के महीने में, फिर कार्तिक के महीने में और माघ के महीने में, इन 4 महीने में तो आपको जाना ही चाहिए स्नान करने के लिए समुद्र में। मैं फिर से बता देता हूँ, वैसाख का महीना, आषाढ़ का महीना, कार्तिक का महीना और माघ का महीना। तो इन 4 महीने में जब आप मतलब नहाते हैं तो समुद्र में नहाने से आपका समान वायु पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पहले ऋषि मुनियों ने क्या किया, हमारे जितने सारे बातों को उन्होंने धर्म से जुड़ा करके रखा, परंतु यदि मतलब हम आयुर्वेद को देखेंगे तो हमसे हमारे शरीर से, हमारे मन से और बड़े विज्ञान से मतलब जुड़ा हुआ है, संबंध नाता है, परंतु हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया है। तो ठीक उसी तरह समान वायु मतलब जब बिगड़ जाता है तो फिर क्या करता है, पाचक अग्नि को तो बिगाड़ देता है, ये हम मतलब जानते हैं, परंतु भोजन को अच्छी प्रकार से मतलब पचन करना, फिर अन्न में अन्न की जो पचन क्रिया में सहायक होना, फिर पचने के बाद में उसका सार भाग को पेट भाग से मतलब अलग अलग करके उसको शोषित करना, फिर मल पक्वाशय में मल को पुरुष को ले जाना, मूत्राशय तक मतलब मूत्र को ले जाना, ये उसका मतलब मुख्य काम है, ये ध्यान में रखना है। इसे मतलब देखने जाए तो इसको शुश्रु संहिता में शुश्रु जी ने इसको 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में मतलब क्या है ना, एक काम है
पाचक रसों को उसके कार्य क्षेत्र में पहुंचाकर तथा दूसरा आमाशय तथा आंत्र में गति उत्पन्न करना। ऐसे सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने ये दो काम ही मतलब बता दिए कि समान वायु का ये मुख्य रूप से दो ही काम रहता है, परंतु हमारे पूरे वर्ग पूरे 12 अर्गन को कोष्ठ के रूप में उसका ध्यान रखना ये उसका मुख्य रूप से काम रहता है। इसके लिए प्रथम जो कार्य सुश्रुत जी ने बताया है, प्रमुख जो तंत्रिका है उसका क्या तंत्रिका है ना, वेगस तंत्रिका है। यदि हमारा समान वायु बिगड़ गया तो आपको दमा जैसा लक्षण दिखने को मिलेगा। मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि आपको दमा रोग हो, मतलब श्वास रोग अस्थमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब दमे का जैसे दौरा जैसे पड़ता है, जैसे सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में दर्द होना, या तो आपको मतलब ऐसा लगे कि आपके छाती जम गया है, छाती में जाम हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये केवल लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम मतलब समान वायु को ठीक कर देंगे तो ये लक्षण भी अपने आप में ये ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में यदि टेम्परेचर की कमी है, टेम्परेचर की कमी यानी कि नॉर्मल कितना मात्रा में रहना चाहिए, 98 मतलब 7.07 रहना चाहिए, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। तो यदि किसी किसी का 98 मतलब 07 से यदि कम है तो समझ लेना चाहिए कि आपका समान वायु थोड़ा गड़बड़ है। समान वायु गड़बड़ है यानी कि आपको कभी कभी पेट में दर्द होता होगा, सही से भूख नहीं लगता होगा, या तो प्यास नहीं लगता होगा, और खाना पचता नहीं होगा, और मतलब पेट साफ नहीं होता होगा, पेशाब भी मतलब अच्छे से नहीं होता होगा, ये आपको समस्या मतलब आ रहा होगा। और ये वेगस नर्व को मतलब वेगस तंत्रिका को यदि मतलब कोई ठीक कोई मतलब दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, नो हमारा जो मोटर तंत्रिका है, मोटर तंत्रिका यानी जो प्रेरक तंत्रिका है उसको मतलब मोटर तंत्र भी मतलब कहते हैं मॉडर्न साइंस में। तो हमारा प्रेरक तंत्रिका ये कहाँ से आता है ना, हमारा कान के पास से आता है। हमारे जो दोनों कान है, दोनों कान के पास में मोटर तंत्रिका रहता है। यदि मोटर तंत्रिका यदि मतलब गड़बड़ हो जाए तो आपका जो मतलब वेगस तंत्रिका है वो वेगस तंत्रिका सही से काम नहीं करेगा। वेगस तंत्रिका काम नहीं करेगा तो समान वायु भी वहां पे अड़चन करेगी। इसीलिए आप लोग मतलब देखते होंगे, थोड़ा 20 साल पहले पीछे चले जाइए, 20 साल या तो 22 साल पीछे चले जाइए, जो लोग मतलब मेरे आयु जैसे हैं, जिन मतलब जिनको अभी 40 45 50 आयु मतलब हुआ है, जो लोग पहले विद्यालय में जाते थे पाठशाला में पढ़ने के लिए, तो जो गुरुजी होते थे उस समय तो गुरु माँ कोई होते नहीं थी, केवल गुरुजी हुआ करते थे। तो जो गुरुजी होते थे, जब हम मतलब देखते हैं कि किसी बच्चे का पाठ अच्छे से मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है, या तो नहीं कर रही है कोई बच्ची, और उसको मतलब स्मरण शक्ति की कमी है, या तो कक्षा में जाने के बाद में उसको नींद सा जैसा आ रहा है, और उसको कुछ भी बताते तो समझ नहीं आ रहा है, और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करते थे, ऐसे कान को मतलब ऐसा कान को पकड़ करके घुमा देते थे। आप लोग मतलब भली भांति याद होगा, हो सकता है कि आप लोगों का भी मतलब कभी किसी गुरुजी ने कान मतलब पकड़ के ऐसा मतलब घुमाया होगा अपने हाथों से, तो थोड़ा दर्द होता था उस समय में, परंतु याद करिए वो उस पल को याद करिए, स्मरण करिए कि जब मतलब गुरुजी आपके दोनों कान या तो एक ही कान को पकड़ करके जब मतलब घुमाते थे तो फिर उस समय दर्द तो होता था, परंतु उस समय कुछ समय के बाद में किसी किसी को जो नींद आ रही होती थी तो नींद एकदम गायब हो जाता था, और एकदम मतलब जो हमारा मन है वो मन स्थिर हो जाता था। और हमारा मन जो है जब तक कक्षा पूरी नहीं होती तब तक हमारा मन जो है पढ़ाई में लगता है। मतलब ये जो मन को पढ़ाई में लगाना, प्रेरित करना, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया क्योंकि हमारे कान के पास में मोटर तंत्रिका है, प्रेरक तंत्रिका है, जिसको सुश्रुत संहिता में सारे स्थान में विधुर मर्म है, ऐसा मतलब कहा गया विधुर मर्म। तो उससे क्या होता है, वो मर्म उत्पीड़न होता है तो मर्म जागरूक हो जाता है, तो जागरूक होने के बाद में हमारा वहां पे प्रेरक तंत्रिका वहां से काम करता है। तो जैसे मतलब आपको मालूम है कि हम खड़े हैं, हमारे मतलब शरीर में कहीं पे भी एक मतलब कोई चींटी ने मतलब काट लिया, या तो हमारे मतलब कहीं पे कुछ मतलब हुआ, जलन हुआ, या तो कहीं पे आग लगी, तो ये हमें पता कैसे चलता है, हम तो मतलब वहां पे देखते नहीं होते, फिर भी हमारा ध्यान एकदम मतलब पता चल जाता है, हाँ मेरे पैरों में चींटी ने काटा है, या तो मेरे पीछे में मतलब कुछ कांटा मतलब मेरे तलुओं में कुछ कांटा या तो नुकीले पत्थर मतलब लग गए घुस गए, ये पता कैसे चलता है, हमको तो दिखाई नहीं देता, हम तो रास्ता चल रहे, और हमारा मतलब सुई यदि मतलब पहने हुए हैं, बूट पहने हुए हैं, तो बूट के अंदर मतलब कीला कोई घुसा है या तो कोई नुकीला पत्थर घुसा है तो हमको कैसे दिखता है, ये दिखता नहीं है, ये आभास है। और ये आभास क्या करता है, हमारा मोटर तंत्रिका यानी कि प्रेरक तंत्रिका हमें वहां पे बता देता है, प्रेरण देता है। तो ये प्रेरण तंत्रिका
मतलब वेगस तंत्रिका को मतलब काम करता है, वेगस तंत्रिका समान वायु के ऊपर मतलब मिल करके काम करते हैं। तो यदि हमें समान वायु मतलब ठीक करना है तो समान वायु के साथ में वेगस तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका ये दोनों को भी ठीक करना होगा साथ में, ये इसका रहस्य है। फिर मतलब आगे ऐसा बताया जाता है कि यदि हम मतलब हमारा छोटे आंत में, क्योंकि छोटे आंत में ही हमारा रहता है समान वायु, यदि छोटे आंत में यदि कोई गड़बड़ हुई या तो छोटे आंत में यदि आंत्रमिति कोई स्वाभाविक मतलब वहां पे टोन यदि मतलब बिगड़ गया तो वहां पे फिर क्या होता है हमारा जिनको जो जिनको हर्निया हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि मेरा नाभि में ऐसा फूल गया है या तो मेरे स्तनों के मतलब निचले हिस्सों में ही मतलब कुछ फूल गया है, कुछ अर्बुद जैसा या तो ट्यूमर जैसा दिखाई देने लगा है, या तो फिर मेरा अपेंडिक्स मतलब अभी के स्थान में दर्द होने लगा है, मेरा अपेंडिक्स आया है ऐसा जो बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, या तो फिर मतलब हाइड्रोसेल फूल गया है, ये सब क्यों हुआ? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपका समान वायु बिगड़ा हुआ है। समान वायु का अपना मतलब बिगड़ गया परंतु आपने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये आपका मतलब रोग हुआ है आपके शरीर में, ये हमको मतलब समझना चाहिए। तो सबसे पहले वहां पे केवल लोग बोलते हैं कि मेरा हर्निया हो गया है, इतनी आयु है, कोई उपचार बता दीजिए, ऐसा ग्रुप में पूछते हैं, परंतु वो हर्निया हुआ मतलब क्यों हुआ वो कोई नहीं पूछता है। मैंने इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि रोग का कारण भी मतलब बताना जरूरी है, हेतु बताना निकालना जरूरी है, बिना कारण के, बिना हेतु के, बिना लिंग के निरूपण के हम कोई भी रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, जड़ से मिटा नहीं सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उसके दवा मतलब रोगों को दबाव दे दिया, दवा मतलब दबा दिया जाए, फिर वो एलोपैथिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा में अंतर क्या रह गया? फिर तो वही बात हो गई जैसे एलोपैथिक के बाद मतलब डॉक्टर लोग करते हैं और हम मतलब वैद्य लोग मतलब वही करेंगे। हाँ परंतु इतना है कि एलोपैथी का औषधि से दबाने के बाद में एक रोग को दबा करके दूसरे अन्य रोग भी मतलब हो जाते हैं, परंतु आयुर्वेद में किसी किसी रोग में मतलब ये लक्षण आपको देखने को मिलता है, बाकी अन्य सभी रोगों में ऐसा नहीं होता। परंतु हाँ ऐसा होता है कि रोग मतलब कुछ दिनों के बाद में गंभीर रूप ले लेता है, इतना देखने को मिल जाता है, परंतु अन्य अन्य दूसरे दूसरे रोग को वो उत्पन्न नहीं करता है, ये आयुर्वेद का मतलब मुख्य है, मतलब अच्छे अच्छी बात है। तो ठीक उसे जिसके कारण मतलब हमारा जो शरीर में मतलब जो मंदता है या तो उद्दीपना है, उद्दीपना यानी कि जो मन चंचल हो जाना, मतलब अभी देखेंगे कोई कोई लोग होंगे एकदम शांति से बैठे होंगे अचानक से वो दौड़ने लगता है लग जाते हैं एकदम मतलब जल्दी जल्दी जल्दबाजी मतलब कि नहीं मेरे को जाना है तो जाना है, मेरे को करना है तो करना है, मेरे को खाना है तो खाना है तो आना है, ये करना है तो करना है, ये जो मतलब जो जल्दबाजी मतलब आप सामने वाले देखेंगे ना तो वैसा चौंक जाएंगे, अरे क्या ये बात, तो ये व्यक्ति तो अभी तक तो शांत था अभी अचानक मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसको बोलेंगे अभी तक तो तुम शांत बैठे थे अभी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं, फिर वो भड़कने लगेंगे। तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि उनका व्यक्ति का समन्वय बिगड़ा हुआ है और कुछ नहीं है, तो समन्वय वो ठीक हो जाएगा तो वो भी लक्षण है वो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा जो ये जो तंत्रिकाएं हैं, तो यदि मतलब उपचित मतलब आहार अंश को मतलब लेकर के फिर जो कपाटिका है, कपाटिका यानी कि जो मतलब कहाँ रहता है हमारे बड़ी आंत के पास मतलब बीच में रहता है, तो बड़ी आंत के पास मतलब पहुंचाने का रस धातु को किसका काम है? समान वायु का काम है। फिर बड़ी आंत के मतलब पास के में पहुंचाने के बाद में बड़ी आंत से नीचे फिर मतलब अपने आप में रस धातु जाता है, रस धातु वहां पे जाने के बाद में यकृत और प्लीहा से रंजक पित्त आता है जिसके बाद में फिर रक्त के रूप में वो परिणत हो जाता है मतलब कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर मतलब हमारा पक्वाशय में प्रवेश कर जाता है। कौन प्रवेश करता है? ना हमारा समान वायु, और पकासे में प्रवेश मतलब बड़ी आंत में प्रवेश करता है, फिर मतलब छोटे आंत के भीतर द्वारा आहार का पकवा अंश को वो अभिशेषित मतलब कर देता है। तो ये तो था मतलब समान वायु कहाँ रहता है और उसका मतलब घर कहाँ है, उसका मतलब कार्यालय कहाँ है और कहाँ कहाँ मतलब चलता फिरता है वो हमने मतलब जाना। कल हम जानेंगे कि समान वायु मतलब यदि बिगड़ता है तो क्या क्या रोग होता है और कैसे बिगड़ता है और उसका मतलब बिगड़ने का क्या कारण है, कल के सत्र में हम इसके विषय में आलोचना करेंगे। तो अभी मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, अभी आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो उपस्थापना करें। वंदे मातरम। जी वंदे
जी, अगर ये किसी का मन बहुत चंचल हो जाता है तो ये भी इसी वजह से होता है, समान वायु के बिगड़ने से। हेलो, किसी का प्रश्न नहीं है? वंदे मातरम। भाई महेश भाई दोबारा बोलिए। ये जो चंचलता होती है, मन की चंचलता, जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं किसी की छोटी छोटी बात पर, तो ये भी ये समान वायु बिगड़ने की वजह से होता है। आपकी आयु कितनी है? 25 साल आप विवाहित है क्या अविवाहित है? काम अविवाहित है। क्या करते हैं? खेती किसानी का करते जी। अच्छा, खेती किसान करते हैं। अच्छा, खेती का काम करते हैं तो आपका समान भाई नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा मतलब मैं मानता हूँ। तो फिर भी यदि मतलब आप शांत रहते हैं, अचानक यदि मतलब क्रोधित हो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद में अचानक फिर से शांत हो जाते हैं, तो ये समान वायु का मतलब विकृति के कारण ही ऐसा होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मल और मूत्र कैसे होता है, मतलब सामान्य होता है दिन में? सामान्य तो होता है, लेकिन कभी कभार अगर रात में जाग गए तो मल और ये बिगड़ता है, पेट बिगड़ता है। अच्छा, ठीक है। और आपका भूख मतलब सही समय से लगता है? हाँ, भूख तो तीनों टाइम सही लगता है, क्योंकि काम काम वगैरह करने की वजह से भूख लगता है। अगर जिस दिन कुछ काम नहीं हुआ ना तो भूख भी कम लगता है। अच्छा, ठीक है। प्यास लगता है आपको? उतनी ज्यादा नहीं। हाँ, तो समान भाई वो इतना बिगड़ा नहीं है, थोड़ा हल्का सा मतलब बिगड़ रहा है अभी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति है। तो आपका जल्दी समन्वय ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। समन्वय क्यों बिगड़ता है, कल हम चर्चा करेंगे ना, तो उसका उत्तर आपको कल मिल जाएगा। जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ऑफ टॉपिक क्वेश्चन पूछ लूं अध्यात्म का। वैद्य बोले जी, ये जो आत्मा होती है, ठीक है, तो जी। हाँ, ये शरीर में कहाँ होती है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसका वजन भी होता है, और ये मन का हिस्सा है कि नहीं, इस सब पर कुछ। वो सब तो हमारा शरीर क्रिया में, शरीर रचना में आएगा भैया, वो तो चलेगा। कम से कम 6 महीने तक आत्मा के विषय में चर्चा चलेगा, सबको बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग अरे लगेगा, विरक्त लगेगा। वाह, सही है। अगर हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना टाइप में बता सके तो कहाँ होती है और मन का हिस्सा होती है कि नहीं, मतलब मन अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे ही ना? मन अलग है, आत्मा अलग है। और शरीर में कहाँ होती है? हमारा जो स्थपनी मर्म है, स्थपनी मर्म के पास में आत्मा का वास होता है। मॉडर्न लैंग्वेज में अगर बता सके तो। मॉडर्न लैंग्वेज में ऐसा है, मतलब मान लीजिए कि जब हम मतलब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे कहाँ आज्ञा चक्र में हम ध्यान लगाते हैं ना, तो आज्ञा चक्र के पास में जो ज्योति स्वरूप है वही आत्मा स्वरूप है। ठीक है। और वैद्य जी, ये जो वेगस नर्व आपने बोली, अभी आजकल जो लग रही है सबको, आपको पता ही है वो क्या है, उससे वेगस नर्व पे इफेक्ट आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है 100%। इसीलिए वो आपका एक साइड आप तो बहुत पैरालिसिस, दो समझदार साइड हैं, पैरालिसिस। आप तो बहुत जी समझदार हैं। जी 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 क्योंकि मैंने वेगस नर्व के ऊपर उसका साइड इफेक्ट होके वो सीधा पूरा तंत्र बिगाड़ रही है सबका। जी। ठीक है, ठीक है।
और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम बोलिए। जी ग्रहणी दर कला छोटी आंत का भाग होता है कि ये कुछ अलग होता है? नहीं, छोटी आंत का भाग नहीं होता। छोटी आंत बड़ी आंत से मतलब मैं आपको समझा देता हूँ सरल भाषा में, जैसे आप समझ जाएंगे। हमने भोजन किया बराबर, तो हम भोजन किए तो जी मतलब मुंह से भोजन किए तो गले तक तो आता ही रहता है, हमको अनुभव होता है। फिर वो हम गले से नीचे उतर गए के कहाँ जाता है, छाती तक मतलब आता है। छाती से जो बीच में, छाती से लेकर के जो नाभि तक है, आमाशय, वहां से एक सीधा हमारा आहार नली है, जिसको आहार नली, आधार नली, ऐसा मतलब नामों से जाना जाता है। परंतु आयुर्वेद ग्रंथों में वो उसको ग्रहणी नाम दिया गया है, ग्रहण धरकला नाम दिया गया। तो इसका इसका नाम क्यों ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब नामकरण इसीलिए हुआ कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो ग्रहण कर लेता है। आप जहर भी खा लेंगे ना तो उसको मतलब वो ग्रहण कर लेगा, वो कुछ सब कुछ मतलब ग्रहण करता है, इसके लिए उसका नाम ग्रहणी रखा गया है। ठीक है, जी भाई जी। और किसी का कोई क्या बात है, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जिस दिन मेरे पास समय नहीं होता उस दिन बहुत सारे लंबे लाइन लगी सही, वो तब तो समाप्ति के बाद भी बोल रहे होते हैं। जी हाँ मैं सत्र में लेट हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ, कोई जरूरी काम आ गया था, इस नहीं वजह नहीं से नहीं। माफी मेरा कोई बात क्वेश्चन नहीं, जरूर रहता है, मेरा माफी कोई क्वेश्चन बात जरूर नहीं, रहता है आपका घर है ये सत्र, जो ना आपके लिए ये। जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये वैक्सीन लगवाई है लोगों को अटैक जो आ रहे हैं, तो जी, इसका शोधन के लिए क्या उपचार है? हाँ ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन शोधन कौन मतलब करना चाहता है? भाई है छोटा, वो भी करेगा, जिस जिसने लगवाई है वो करना चाहते हैं। लेकिन करना तो कोई नहीं चाहता, करना कोई नहीं चाहता मेरे है। स्टाफ में वो नहीं जी वेद जी, वाकई में करना चाहते हैं सच में सच में। मेरे पास तो अभी तो मतलब कोई ऐसे रोगी नहीं आए कि मतलब जो कि मतलब मुझे सामने बोले कि बेची और हमने वैक्सीन लगा दिए और उसका साइड इफेक्ट से हमें बचाई है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मुझे हो नहीं मिला। गया वे जी, मेरे से डिस्कस हुआ है, मेरे स्टाफ में ही है, तो उन्होंने बताया उनको एकदम से उसको लकवे का वो हुआ है, फिर डॉक्टर के वहां भगे हैं, उन्होंने सब तरह का चेकअप करवा लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है किसी भी तरह की, और उनको ये डायबिटीज का उनको हो गया, ठीक दो है, दो है ऐसे, दोनों अच्छा सस्ता के वाला ऊपर युग ये बताओ अफेक्ट आने कि की महंगा चिंता है वाला, उसी के लिए। जी, सस्ता सस्ता वाला युग बताओ कि महंगा वाला। दोनों ही बता दो आप, तो हाँ महंगा वाला जो युग एकदम तो मेरे स्मरण में नहीं है, उसका हो सके तो मैं कल उसका बता दूं या तो किसी और एक दिन बता दूंगा उसको क्या क्या घटक है बराबर, और कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है वो मैं बता दूंगा। सस्ता वाला युग ये है, जो चौलाई का जो साग होता है ना, जी चौलाई का साग मतलब हम लेके आते हैं बाजार में से, तो हाँ हम साग को चोला खा लेते जी हैं। हाँ, परंतु जो जड़ होती है वो जड़ को काट के हम फेंक देते हैं, फेंकते जी हैं ना, ये हर कोई करते हैं। करते हैं हाँ तो अभी क्या करना है, चौलाई का मतलब साग लेके आना है और उसको जड़ को जो है मतलब उसको चौलाई का साग करने सेवन नहीं करना है, उसके जड़ को पानी में पहले धो लीजिए, फिर उसको पानी में पीस करके कम से कम 50 ग्राम चौलाई का जड़ होना चाहिए और उसमें आधा जी। गिलास पानी में उसको पीस लीजिए और उसी को ही मतलब पिला दीजिए। ऐसा प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले कराइए, कंटिन्यू जी 3 से 4 महीना तक कराइए। जी ठीक है, जी एक प्रश्न और था, समुद्र के जल को कैसे ग्रहण किया जाता है? क्या जी, समुद्र के पानी को कैसे हम पी सकते हैं जो हमारे लिए वो लाभकारी हो? हाँ जी हाँ बहुत अच्छा है। समुद्र का यदि मतलब पानी यदि आप मतलब पीना चाहते हैं तो सबसे पहले जी उसको लाइए और ला करके उसमें
उसका तीन तरीका मतलब होता है, पद्धत होती है उसको शोधन करने का, बराबर। सबसे पहले उसको फिटकरी से शोधन करिए, जिससे कि उसमें जो नमक, जो मतलब ज्यादा मात्रा में नमक होता है, नमक तो नहीं होता उसमें, एक प्रकार का आम जो होता है वो आम निकल जाएगा, अलग हो जी जाएगा। दूसरे बाद में उसका जो जमाल गोटा का जो बीज होता है, जमाल गोटे जी का बीज उसमें मतलब डाल करके उसको छोड़ दीजिए, बराबर। फिर ऊपर से पानी को निताल ले, फिर उस नितारे हुए पानी में आपको क्या करना है, उसको मतलब उबालना है। जी जब आधा बचे तो उसको छानना है, और उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके वह पानी पीना है। ऐसे तीन प्रकार से करेंगे ना, तो आयुर्वेदाचार्यों ने कहा है कि समुद्र का पानी भी आप पी सकते हैं। ये जमाल गोटे के बीज डाल करके कितने समय तक छोड़ना पड़ेगा? आधा घंटा, समुद्र का पानी हमारे लिए क्या उपयोगी रहता है? बिल्कुल, क्यों नहीं उपयोगी रहता है। क्या-क्या फायदे हैं? समुद्र के पानी से, जी इसके ऊपर तो मतलब हमारा अलग से सत्र है पानी के ऊपर, आप वहां पे देख लीजिए, वहां पे जी लगभग 28 प्रकार के पानी के विषय में चर्चा हुई है। जी मैं यहाँ पे बताऊंगा ना तो दोबारा पुनरावर्तित तो हो जाएगा। नहीं, मैं आप दोबारा देख देखिए लूंगी। सभी प्रकार के जलों के विषय में आपको पता लग जाएगा उधर। जी जीवन जी मातरम वेद जी, हाँ जी, वंदे मातरम। जी एक मतलब हमारे गांव में छोटा सा गांव है, वहां पे 2-3 सालों से लगभग दो ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिनके मतलब दिल में छेद है। ऐसा क्या समस्या हो सकता है? दिल में क्या है? दिल में, डॉक्टर बोलते हैं दिल में छेद है। अच्छा, ठीक है। तो उनका कोई रिपोर्ट निकालना है क्या? जी रिपोर्ट वगैरह तो है, लेकिन वो अभी आयुर्वेद को ऐसा मानते नहीं वे लोग, लेकिन हम जानना चाहते थे क्या कुछ ऐसा कारण है, हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा होता हो। हाँ, ऐसा तो होता है, परंतु उसका जब दिल में छेद होता है ना, तो उसमें मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा होता है। जैसे कि मतलब जवाहर मोहरा रस है, याकूती रसायन है, खमीरा अजवाइन है, खमीरा गाव जमा, तो ये सब मतलब जो औषधि है वो थोड़ा महंगी आती है। बता तो दूंगा, जी लेकिन क्या वो खर्चा कर पाएंगे वो उनके जी ऊपर नहीं, वो लोग आयुर्वेद तो लोग है। भरोसा नहीं करते, वो अंग्रेजी दवा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बस ये जानना चाहते थे मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। कई केसेस हमने देखा है, तीसरा केस है कि मतलब बच्चे को छेद है दिल में ऐसा। एक उपाय बता देता हूँ, सरल उपाय है, परंतु विश्वास मान करके चलेंगे, करेंगे तो ही मतलब लाभ मिलेगा। हमारा जो आयापना बोलते हैं, आप मतलब गूगल में सर्च करिए आयापना, तो वहां पे आयापना आपको वनस्पति दिख जाएगा। तो आयापना वनस्पति लेकर के आना है। इन ठीक है जी, बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, तो जिनके दिल में छेद होती है, बराबर, तो आयापना को पूरा जी पीस भाई, लीजिए पत्थर पे, और एकदम मतलब पूरा चटनी जैसा, पूरा एकदम मतलब बारीकी से पीस करके उसके छाती पे मतलब हृदय में पूरा लेप लगा दीजिए। कम से कम एक अंगुल की मोटाई बराबर लेप लगा दीजिए। शाम को लेप लगा दीजिए, रात भर पड़े रहने दीजिए, और सुबह में उसको धो दीजिए। और धोना कैसा है, अर्जुन का छाल का काढ़ा बनाना है और उसी काढ़े से धोना है, बराबर। ऐसा प्रतिदिन प्रतिदिन करना होगा। हो सकता है 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, परंतु जब तक वो छेद नहीं भर जाता तब तक आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा, परंतु इसमें लंबा समय लगता है, और आप देखने जाएंगे तो एकदम मतलब साधारण सा योग मालूम होता है, परंतु असाधारण प्रतिभा है, अर्थात असाधारण इसका परिणाम है, गुण है, लाभ है। ये विश्वास के साथ में यदि करेंगे तो लाभ मिलेगा, परंतु लंबा समय लगता है। जी धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद वैद्य जी, प्रणाम। जी, वैद्य जी, मेरी भतीजी को है जो अभी बता रहे थे ना आप, के मतलब कोई दूसरा उपचार बता रहे, थोड़ा महंगा पड़ता है, वो एक बार बताएंगे? उनकी उम्र है मेरे उसका 6 साल के हाँ आसपास मतलब उम्र। जी, उसका योग है। मैं आपको अभी तो मुझे स्मरण नहीं है उसका योग, परंतु मैं आपको ग्रुप में कर देता हूँ, टेलीग्राम में उसका मतलब डाल देता हूँ मैं, ठीक है, 11 बजे के जी बाद भाई। में जी।
वंदे मातरम वैजी। हाँ जी वंदे मातरम। वैजी, एक सत्र में आपने चांद्रायन व्रत के बारे में बताया था कि 12 वर्ष में एक बार करना चाहिए, जी, तो यदि समय है तो संक्षेप में उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी विधि। उसके विधि संक्षेप में कैसे बताऊं, क्योंकि उसमें मंत्रों का जाप करना और उसका पूरा भोजन का जो पूरा नियम है वो पूरा पालन करना, वो सब बताना होगा ना। तो उसके लिए अलग से एक सत्र रख लेते हैं गोविंद भाई, यदि अनुमति देंगे तो क्योंकि उसमें तो बताने में ही पूरा 40-45 मिनट लग जाएगा, तो इसके लिए मेरे विचार में एक अलग से सत्र रखा जाए तो अति उत्तम होगा। बाकी गोविंद भैया जी से मिल जाए तो रख लेंगे। जी जी भाई जी, ठीक है भाई जी, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। मेरी इच्छा ये है कि आप कोई भी बात को जाने ना तो पूरे उसको पूरी तरह से जानिए, क्योंकि चरक संहिता में चरक जी ने कहा है अर्ध ज्ञानम दग्ध ज्ञानम, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना वो दोधारी तलवार के समान होता है, जानना है तो पूरा जानिए या तो फिर बिल्कुल मत जानिए, ऐसा है। तो संक्षेप में बताऊंगा तो आधा अधूरा होगा, मुझे मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी और फिर मुझे लगेगा कि अरे मैंने क्या बताया, कितना समझ में आया, फिर उसका सही तरीके से फिर उसका अमल होगा कि नहीं, ये फिर मन में मतलब बात को घूमेगी। तो इससे अच्छा है कि मतलब उसकी पूरी बात ही मैं बता दूं आपको, पूरे विस्तार से बता दूं। जी जी भाई जी, जी तो अभी सत्र को सजेशन है, बता यहाँ पे एक सजेशन है, हम एक काम कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जैसे 141 हो गए, ये आयुर्वेद विषय पर लोचना सत्र। अब होता क्या है कि बीच बीच में लोग कहते हैं, कोई कहता है कि इस विषय पर कर दीजिए, उस विषय पर कर दीजिए। हम ये कर सकते हैं कि हम एक अलग सीरीज उसकी चला सकते हैं, जिसको हम चर्चा का नाम दे सकते हैं। उसमें मतलब आपको भी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, उसका उसके बैनर जो है वो दीपक भाई अलग से, जैसे उसका भी हम नंबर डाल देंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो वो चर्चा टाइप का होगा, और उसमें जैसे आधा घंटा 35 मिनट चर्चा हो गई और बाद में क्वेश्चन आंसर हो गए, वो 1 घंटे का सेशन मतलब रहेगा, वो भी सेशन ही। उसके लिए भी आपको नॉर्मल जिस दिन हम करते हैं वो एक मतलब एक एक दिन में एक ही करना है, और ये सीरीज अलग चलती, वो सीरीज अलग चलती रहेगी। और ये जो लोगों के मन में जो इम्पेशंस है बहुत ज्यादा, कि हम 6 महीने वेट नहीं करेंगे इस सत्र का, या ये 3 महीने बाद, जैसे आप बोलते हैं या फिर दीपक भाई भी बताते हैं कि ये वाला जैसे समान वायु वाला भी चल रहा है, ये जब खत्म होगा तो हम उस पे जाएंगे। लोगों के अंदर इम्पेशंस बहुत है, तो हम उस विषय को अलग से उसमें कर सकते हैं। और बीच बीच में जैसे हफ्ते में 7 दिन 6 दिन कर रहे हैं, तो उसमें से 2 दिन वो वाला कर दिया कोई, उसकी सीरीज अलग चलती रहेगी, इसकी सीरीज अलग चलती रहेगी। हाँ ये है कि इससे ये जो 140 हो गए, ये सीरीज डिले जरूर हो सकती है, क्योंकि फिर ये भी लेट होती जाएगी उतना ही। तो इस पे आप और दीपक भाई विचार करके देख लेना, अगर आप दोनों को सही लगता है तो फिर हमें बता देना, फिर उस हिसाब से लोग अपना अपना जो जिसपे ये लोग चाहते हैं बता देंगे, ये भी अपनी तरफ से। ठीक है, गोविंद भाई का क्या विचार है इसमें, ये भी तो जानना जरूरी है। मुझे जहां तक पता है वो ये चाहेंगे कि ये वाला प्रॉपर ऐसे ही चलता रहे, जो मैं कह रहा हूँ वो ये लोगों का मत है, क्योंकि पेशेंस तो इनके अंदर कम है ना। गोविंद भैया का तो स्टैंडर्ड है, उनको सत्र वाई सत्र चलना अच्छा लगता है, वो वेट कर लेंगे, मैं भी वेट कर लूंगा, दीपक भाई भी वेट कर लेंगे, बट लोग वेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा और अच्छा लोगों की एक और दिक्कत है, लोगों को बीमारी से मतलब है, उनको समान वायु अपान वायु इससे मतलब ही नहीं। उनको चाहिए कि अभी हमें बता दो कि बुखार कैसे ठीक होगा, किडनी कैसे ठीक होगी, या हमें यह बता दो कि मैं कैसे ठीक होऊंगा। ये भी एक तरह का रजस है, क्या करें। सही कहा आपने, ठीक है लगता है। हाँ विचार करना, कोई नहीं, बाकी जी दीपक भाई समय हो गया, ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोतागण का, दैदी जी का। समान वायु पर जो आज
प्रथम भाग हुए, कृपया इस पर विचार कीजिएगा और आगे भी इस विषय को आगे नियमित चलाते जाएंगे। अभी कई अन्य भाग इसके हो सकते हैं, तो हम सभी समझेंगे और जानेंगे। निवेदन यही है कि जो हमें क्रांति करनी है उस क्रांति में हम सभी बल बने, वैद्य जी का, स्वस्थ समृद्ध परिवार का। अगर दी क्रांति में हम बल को इधर उधर बांटेंगे तो जो सुपर पोजिशन होने वाले बल का वो नहीं हो पाएगा। तो हमें एक बड़ा सा बल बनना है जिससे कि जो जो असुर ऊर्जा है उसको हम नष्ट कर सकें। हमें देव ऊर्जा को बढ़ाना है, तो देव ऊर्जा हम सभी का बल है, तो हमें असुर ऊर्जा को नष्ट करने के लिए देव ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तो अपनी जो ऊर्जा है एक जगह लगाइए और धीरे धीरे जब तक हम चलेंगे एक क्रमबद्ध तरीके से, तभी हम एक गंतव्य तक पहुंचेंगे। नहीं तो दिशा, जैसे वैद्य जी ने पूर्व कक्षाओं में बात का जो गुण धर्म बताए हैं, तो हम सभी वादी बन जाएंगे और ज्यादा वादी बनना हमारे जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए खतरनाक है। तो हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, तो ये हमें समझना आवश्यक है, तो इसलिए कृपया विचार करें। बाकी आप सभी का भी विषय जरूर लेंगे वैद्य जी, लेकिन जो मूल जो हमारा विषय है उस पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भविष्य में आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा अगर दी इस ज्ञान को हम नहीं समझे तो। ये आपका अस्त्र होगा, यही आपका हथियार होगा, इसी से आप स्वयं भी बच सकते हैं, दूसरों को बचाएंगे भविष्य में, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है जो वैद्य जी आप सभी को निर्देश करते हैं सूक्ष्म भाव से। तो कृपया इस पर विचार करिए। रोग ठीक करना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जो सिद्धांत है वो हम भूल गए ना, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो रोग तो ठीक हो ही जाएंगे जब भी समय मिलेगा, जो वैद्य जी बताते हैं कि प्रपन्न भर के भेजिए ग्रुप में, जो पूरे विस्तार है प्रपन्न लिख करके भेजें। जो रोग हैं जिसके बारे में पूछना चाहते हो आप, फिलहाल आप उपचार ही चाहिए जैसे अजिंदर भाई के, तो आप ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन जो भी विषय है इस पर ध्यान रखिए, लेकिन जैसे कि भी जो विषय चली, तो बीच बीच में जरूर आप सभी के भी बातों को रखते हुए वैद्य जी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आप सबका ही समूह है, ग्रुप है, आप सबके कारण से ही क्रांति चल रही है, इसलिए आप लोग का भी बात मार्गदर्शन सर्वोपरि है, तो जरूर आप सभी को बातों को लिया जाएगा और किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का, आप सभी का। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी। आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, स्वागत है, स्वागत करता हूँ। वंदे मातरम, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।